अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह की रहमत से ठीक ही होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का मेरा टॉपिक है कि कैसे हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारा पेन होता है, हमें कैसे ट्रांसफॉर्म करता है, हमें शायद अल्लाह के करीब करता है। मैंने ये अपने ऊपर आज देखा है कि ऐसा नहीं है कि मैं पहले मतलब नमाज़ नहीं पढ़ती थी या मैं कुरान पाक नहीं पढ़ती थी। हाँ, मैं तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ती थी, ऐसे ही जो जिस लैंग्वेज में अरबी में जो है वैसे ही पढ़ती थी। बट लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ है कि जब हमें कोई प्रॉब्लम्स, हम अपनी लाइफ के साथ कुछ स्ट्रगल हमारी लाइफ में चल रही होती है या हमारी लाइफ में हम बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं। अब वो प्रॉब्लम किसी भी तरीके से हो सकती है, हेल्थ को लेके हो सकती है, फाइनेंशली हो सकती है, बहुत और भी जितनी भी हमारे साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, घर को लेके हो सकती है, कुछ भी जो भी आपके साथ है, बच्चों को लेके हो सकती है। तो मैंने ये अपने साथ फील किया है कि जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है, जब हम किसी स्ट्रगल से गुजर रहे होते हैं, तो हम शायद अल्लाह की तरफ ज़्यादा रुझू होने लगते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि पहले मैं पढ़ती थी, कुरान शरीफ पढ़ती थी, नमाज़ भी पढ़ती थी, बट पाबंद नहीं थी मैं। मतलब छूट जाती थी तो छूट जाती थी। अभी भी ऐसा नहीं है अब कि मैं अभी भी बिल्कुल मेरी पांचों वक्त की नमाज़ होती है, ऐसा नहीं है, मेरी अभी भी छूट जाती है। अल्लाह उसके लिए माफ़ करे, मैं बहुत बहुत कोशिश करती हूँ कि ना छूटे, बट फिर भी वो कई बार छूट जाती है फजर की। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं तहज्जुद के लिए भी उठूँ। पहले मैं उठती थी, बीच में उठती थी मैं 4-5 महीने या अभी मतलब हाँ 4-5 महीने पहले शायद उठती थी। और मैंने बहुत कंटिन्यू भी रखा उसको कि एक मेरा एक रूटीन सा बन गया था वो। उसी टाइम मेरी आँख खुलती थी रात में और मैं पढ़ती थी, बट अब मेरी फिर से तहज्जुद नहीं हो पाती है। तो मैंने ये फील किया है कि अगर जब हम किसी पेन में होते हैं, किसी स्ट्रगल में होते हैं, तो हम अल्लाह की तरफ ज़्यादा झुकते हैं, उसकी तरफ ज़्यादा रुजू हो जाते हैं। और ये शायद मुझे ऐसा लगता है कि तो फिर हम अपनी इन प्रॉब्लम्स को एक पनिशमेंट ना समझ के फिर अगर हम अल्लाह की तरफ झुक रहे हैं और नमाजी हो रहे हैं या समझने लगे हैं कि अल्लाह ने हमसे कुरान में क्या कहा है, तो वो प्रॉब्लम्स भी शायद हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। हमें उसको पॉजिटिव वे में देखना, अगर हम देखेंगे तो वो भी शायद ब्लेसिंग है, वो भी नेमत है, क्योंकि अल्लाह हमें अपनी तरफ बुला रहा है। तो इस चीज़ को भी हम अपनी इस नेगेटिव सोच को, नेगेटिव थॉट को हम पॉजिटिविटी में चेंज कर सकते हैं कि ये अगर हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो हम उसको एक पनिशमेंट ना समझ के, हाँ हम उससे सीखे ज़रूर कि हमसे कहाँ गलती हुई है और हमें कुछ किस चीज़ को ठीक करना है, लेकिन हमें मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ हमारे लिए एक ब्लेसिंग भी है, क्योंकि वो चीज़ हमें अल्लाह के करीब कर रही है। और मैंने ये बहुत बहुत अब एक्सपीरियंस किया है कि मैं पहले के मुकाबले में अब शायद मैं बहुत ज़्यादा कुरान को मैंने जब खुद तर्जुमे मीनिंग के साथ पढ़ना शुरू किया तो मुझे कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं। हालांकि कई चीज़ें मैं नहीं समझ पाती हूँ क्योंकि मैं अभी उसकी तफसीर नहीं पढ़ रही हूँ। तफसीर उसमें कुरान पाक में है लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेंथी है और बहुत ज़्यादा बहुत बारीक लिखा हुआ है। उसको पढ़ने में बहुत बहुत मुझे मतलब टाइम चाहिए आपको, एक अगर आपको एक पेज भी पढ़ना है, बट मैं वो मेरा बहुत, क्योंकि जब से मैंने तर्जुमे के साथ शुरू किया है कुरान पाक पढ़ना, तो मुझे लग रहा है कि मुझे तफसीर भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसमें मुझे और ज़्यादा खुल के समझ में आएगा कि हमारे अल्लाह ने हमारे लिए क्या पैगाम भेजा है, हमें ये हमारी किताब हमसे क्या कह रही है। और इसीलिए मैंने कई चीज़ें, मुझे जैसे कुरान में
चीज़ें मैं नहीं समझ पाती हूँ, कुछ चीज़ों में मैं अटक जाती हूँ कि इसका मतलब इसके पीछे कई चीज़ें ऐसी, कई बातें ऐसी होती हैं ना, उसके बहुत मीनिंग होते हैं और हम कई बार वो मीनिंग नहीं समझ पाते हैं। तो इसीलिए मैंने इब्राहिम से एक कुरान पाक भी मंगाया है जो इजी तर्जुमे के साथ है। अभी ये मैंने ये एक दिन पहले ही लेके आए हैं, मैंने अभी इसको नहीं, इसकी तिलावत शुरू नहीं करी है, बट मैं शुरू करूँगी इंशाल्लाह। तो मैंने सोचा मैं आपको भी एक बार दिखाऊँ। इन्होंने जहाँ से ये लेके आए तो इन्होंने कहा कि मुझे इजी वाले तर्जुमे के साथ चाहिए, तो जो कि बहुत इजी वे में जो मुझे समझ में आ सके। तो उन्होंने ये वो लेके आए हैं, तो जब मैं इसको पढ़ूंगी, मैं इसकी तिलावत शुरू करूंगी, तो मैं आपको भी बताऊंगी कि इसमें मतलब मुझे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और अगर हो सकता है, अगर कोई पढ़ना चाहता हो, कोई इजी इजी हिंदी में या अंदर इसमें अरबी में है, और हाँ अरबी में ही है और उसका मायना वो उर्दू में है, तो लेकिन इसको बहुत इजी तरीके से, बहुत आसान तरीके से इसमें समझाया गया है। तो अगर मैं जब इसको पढ़ना शुरू करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि मुझे ये कितना मतलब, और जो लोग अगर पढ़ना चाहते हों आसान तरीके से, इजी लैंग्वेज में, जिनको अच्छे से और अच्छे तरीके से खुल के समझ में आ सके, तो शायद वो ले पाएँ। और मैं बस आपसे यही कहूँगी कि आप भी प्लीज़ कुरान पाक पढ़ना शुरू कीजिए और मीनिंग के साथ शुरू कीजिए। हम सिर्फ अरबी में पढ़ते हैं तो उसका वो हमें नहीं, लैंग्वेज हमें, हमारी लैंग्वेज वो नहीं है, तो हमें समझ में नहीं आता है कि अल्लाह, लेकिन तर्जुमा उसमें अल्लाह ने दिया है तर्जुमे के साथ कुरान पाक में। आप उसको पढ़िए, तफसीर भी पढ़िए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं तफसीर के साथ भी भले ही रोज़ एक एक पेज पढ़ूँ एक, लेकिन उसको पढ़ूँ। अभी मैंने शुरू नहीं किया है लेकिन मैं करूँगी, और मैं इसके इसका भी आपको बताऊँगी कि मुझे इसके बारे में मतलब मुझे पढ़ के ये मुझे इजी लगा या और भी चीज़ें जो मुझे अच्छी इसमें पता चलेंगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और प्लीज़ आप लोग कुरान पाक पढ़ना शुरू, जो भी लोगों को लग रहा है कि हाँ बहुत परेशान हैं और लाइफ की प्रॉब्लम में स्टक हो गए हैं, किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं, तो आप कुरान पाक पढ़ना शुरू कीजिए। ये बात सच में, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है। जब हम अल्लाह से जुड़ जाते हैं और जब हम कुरान पाक को समझने लग जाते हैं कि अल्लाह ने हमसे क्या कहा है, तो एक रिलैक्स, एक सुकून ज़रूर मिलता है, मैंने फील किया है। और इसका मतलब ये नहीं है, ये मत सोचिएगा कि जो कुरान मतलब जो अल्लाह की तरफ अगर आप हो गए हैं तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। नहीं, सबकी लाइफ में, अल्लाह ने तो खुद कहा है कि वो सबकी आजमाइश लेगा और जो उसके पसंदीदा बंदे हैं उनकी आजमाइश को और ज़्यादा लेगा, तो उनको और अपनी तरफ शायद रुजू करने के लिए मेरे ख्याल से, या उनको और अच्छा दीन की तरफ बढ़ाने के लिए। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, हिदायत के रास्ते पे चलाए, और मुझे भी हिदायत के रास्ते पे चलाए, और मुझे कुरान पाक में जो अल्लाह ने कहा है समझ में आने लगे। और आप सबको भी जो चाहते हैं कि हाँ वो हमारे दीन के बारे में उन्हें पता चले, तो आप भी प्लीज़ स्टार्ट कीजिए। और मैं इसके बारे में भी आपको ज़रूर ज़रूर शेयर करूँगी जब मैं इसको अगर पढ़ना स्टार्ट कर दूँगी, दो तीन पेज भी अगर मैं पढ़ लूँगी और मुझे बहुत इजी लगेगा, तो मैं ज़रूर आपके साथ इसका भी शेयर करूँगी। तो अगर किसी को इसका हदिया कराना वो चाहे तो वो ज़रूर ले सके। तो बस अल्लाह हम सबको अपनी रहमतों में रखे और सबको हिफाजत में रखे। तो चलिए मैं अब इसका एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय।